साकिब कलीम, मैं साकिब कलीम इस वक्त कटिहार शहर के दुर्गा स्थान पे आप तमाम नाजरीन से रूबरू हूँ। तो इस सैलाब का सीमांचल का दिल कहे जाने वाले कटिहार का इस सैलाब में नज़ारा करना, तो आप आए कटिहार शहर के दुर्गा स्थान चौक का ये सीधा नज़ारा है। और कटिहार शहर काफ़ी जल जमाव से परेशान है, इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ की रूलिंग पार्टी का एक एक वोट और वोट्स के ठेकेदार का एरिया है। यहाँ के लीडर्स, एमएलए, मेयर, एमएलसी, जिसको हम तमाम समाज के लोग, बुद्धिजीवी अपना कीमती वोट देकर जिताते हैं, आखिर ये इस वक्त कहाँ है? क्या इलेक्शन के वक्त में हमारे जनप्रतिनिधि आएंगे? इसको देखना चाहिए कि शहर का बुरा हाल है, कचरा चारों तरफ पड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं अभी इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर देखिए काफ़ी बुरा हाल है। तो इसके ज़िम्मेदार कौन? बरसात में फिर भी कटिहार में मामूली सी बरसात होने पर जहन्नम जैसी हाल हो गई, और इस बारिश होने से गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो दिन में काम करते हैं, ये आखिर जाएंगे कहाँ? इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजर सकेगी? और बिल्कुल परेशान है, यहाँ की जनता परेशान है, और यहाँ के जो व्यवसायी हैं ये भी काफ़ी परेशान है। तो इसके लिए मैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, मेयर हैं, और मैं नगर निगम से, मेरी ये गुजारिश है कि ये एरिया गांधी टोला दुर्गा स्थान चौक का ये बॉर्डर, इस तरह से हमारे शहर के कई जगह जैसे पानीटंकी चौक, गांधी टोला, न्यू मार्केट का बहुत बुरा हाल है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से गुजारिश करूँगा, और यहाँ के डीएम साहब जो कमल तनुज साहब से, मेरी गुजारिश है कि शहर में कचरा का साफ किया जाए और नालियों का इंतज़ाम किया जाए। मैं साकिब कलीम, कटिहार, बिहार।